स्मार्ट टेलीकॉम आपका अपना चैनल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला पार्ट है और भी इसके दो पार्ट रहेंगे, आप ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स अगर कभी भी हमारे पास ऐसा कोई मोबाइल आए जिसमें कस्टमर का कहना है कि ये रिसीवर जो है रिसीवर के अंदर आवाज़ नहीं आ रही है, जब रिसीवर के अंदर जब आवाज़ नहीं आती है, जब किसी का कॉल हमें आता है तो जब हम जो आगे वाले की आवाज़ सुनते हैं वो रिसीवर में सुनते हैं तो उसको रिसीवर कहा जाता है, ईयर पीस भी कहा जाता है, बाद लोग इसे स्पीकर भी कहते हैं। तो इसे हम आज देखेंगे कि किस तरह से इसको चेक करना है कि इसके अंदर आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, इसकी सप्लाई किस तरह से होती है। आज हमारे पास ये एंड्रॉयड के दो एंड्रॉयड के पीसी भी है, हम इसमें भी देखेंगे, और ये कीपैड वाले मोबाइल है कुछ हमारे पास, हम इसमें भी देखेंगे कि रिसीवर होता किस तरह से है, उसे कैसे चेक करना है। तो कस्टमर जब भी आपको मोबाइल लाकर देता है आवाज़ नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कस्टमर से पहले पूछना है कि इसमें प्रॉब्लम आया किस तरह से है, पानी में जाने की वजह से प्रॉब्लम आया या फिर नीचे गिरने की वजह से प्रॉब्लम आया। तो कस्टमर से आप पूछ लें कि इसके अंदर प्रॉब्लम फर्स्ट आया किस तरह से है, उसके बाद में आप डायरेक्ट मोबाइल को ओपन ना करें, सबसे पहले आप खुद कन्फर्म हो चेक करें कि वाकई इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल के अंदर मोबाइल तो ऑन ही होगा और सिम भी होगी उसके अंदर, तो आप कोई भी एक नंबर डायल कर दें जैसा कि 121 करके कॉल कर दें आप। देखिए इस तरह से कॉल कर दें कोई भी एक कस्टमर केयर को। ये देखिए इस तरह से आप पहले स्पीकर पे डाल के कॉल कर ले, उसके बाद में ये स्पीकर को बंद कर दे और यहाँ से आप जो है ना इसे सुन ले अपने कान को लगा करके, इसके अंदर इसको आप सुन ले कान से लगा करके कॉल, या फिर आप डायरेक्ट किसी को आप कॉल कर लें, आप इसे भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट किसी को भी कॉल करके भी देख सकते हैं कि आवाज़ जा रही है नहीं आ रही है, अगर कम आ रही है या फिर आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है या बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है तो आप इसे चेक कर लें कि इसके अंदर आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। कई मरतबा ऐसा होता है फ्रेंड्स के कस्टमर हमें मोबाइल ला कर देता है और कहता है कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो कई मरतबा आवाज़ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि माइक का भी प्रॉब्लम होता है कि हमारी आवाज़ दूसरे कस्टमर को जा नहीं होती है और उनकी आवाज़ वापस हमें पलट कर हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई देती है, तो कई मरतबा ऐसे भी प्रॉब्लम आता है। और एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं या फिर कुछ मोबाइल हमें कॉल आता है तो यहाँ ये जो स्पीकर रिंगर दिख रहा है आपको, यहाँ से हमें इसकी म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी कभार ये इस रिंगर और माइक और स्पीकर ये तीनों चीज़ें एक साथ ख़राब हो जाती हैं। तो जब आप समझ लेंगे ऑडियो इसी के पास कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक साथ ख़राब हो चुकी हैं, अगर इसका माइक अच्छा है और रिंगर अच्छा है, ओनली सिर्फ रिसीवर ख़राब है, तो आप इसे रिसीवर की कोई लाइन में कोई कॉइल ओपन हो चुका है या कोई रजिस्टर ओपन हो चुका है या फिर कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, या फिर उसका जो रिसीवर है वो भी कभी ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ पर आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो चलिए फ्रेंड्स तो हम सबसे पहले कॉल करके सुन लेंगे, कस्टमर हमको लाके मोबाइल दिया उसके बाद हम कॉल करके हम खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वाकई इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद में दोस्तों आपको मोबाइल को ओपन करना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल का पीसीबी है, आप देख सकते हैं ये लेनोवा 6000 का पीसीबी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल के जो यहाँ पर टिप्स है ऊपर की तरफ, ये देखिए दोस्तों इसका ये रिसीवर है कुछ इस तरह का होता है और भी कई तरह के होते हैं, मैं साइड में आपको एक पिक दे दूँगा इसकी, 4-5 डिज़ाइन होते हैं इसके, आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो ये सारे स्पीकर आप इसे कह सकते हैं या आप रिसीवर कह सकते हैं या फिर ईयर पीस कहते हैं, इसको चेक किस तरह से करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर दो पिने हैं इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पर एक पिन है और यहाँ पर एक पिन है, ये दो पिने जो है जाकर यहाँ पर मदरबोर्ड के ऊपर दो पिने होती हैं, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इसका टिप्स है और यहाँ पर एक टिप्स है, यानी हर मोबाइल के अंदर दो ऐसे टिप्स होंगे। और एक मोबाइल के अंदर बताता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक और यूफोरिया का मोबाइल है, ये देखिए यहाँ पर भी एक दो टिप्स है इस तरह के, इधर देखो ये देखिए ये दोनों टिप्स है। यहाँ पर जाकर के ये दोनों ये टच होगा, ये देखिए ये कीपैड वाला मोबाइल है, आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर भी दो टिप्स है, यहाँ पर जाकर के वो टच होगा, जो भी हमें आवाज़ आती है इसी से आती है। ये देखिए यहाँ पर भी इसको दो दो टिप्स है, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। एक और मोबाइल आपको बताता हूँ, ये देखिए छोटा सा मोबाइल है सैमसंग का या चाइना मोबाइल है, ये देखिए यहाँ पर भी इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रिसीवर करके लिखा है, आपको करीब से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर रिसीवर करके है, तो ये जो दो टिप्स देख रहे हैं आप हर मोबाइल के अंदर सामने की तरफ होता है दोस्तों। ये देखिए मैं जैसा ये ऑन ये मोबाइल है, यहाँ पर ऊपर से आप देख सकते हैं ये रिसीवर होता है। एक और मोबाइल आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये लेनोवा मोबाइल है, इससे पहले सैमसंग का मोबाइल बताया मैं, देखाऊँ ये देखिए ये आईफोन है, आईफोन में भी सामने की तरफ होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये आईफोन 5S मोबाइल मेरे पास है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सामने की तरफ होता है। तो दोस्तों जितने भी मोबाइल्स होते हैं, एक और मोबाइल आपको बताता हूँ, देखिए सैमसंग का मोबाइल है, यहाँ पर देखिए जितने भी मोबाइल होते हैं जब भी हमें कॉल आता है दोस्तों, यहाँ से हमें आगे वाले की आवाज़ सुनाई देती है, दूसरे कॉलर की आवाज़ हम यहाँ से सुनते हैं, इसे ईयर पीस रिसीवर या फिर जो है ना इसे स्पीकर कहते हैं, जहाँ से हम आगे वाले की आवाज़ को सुनते हैं। तो दोस्तों इसे चेक किस तरह से करना है और इसकी चेकिंग किस तरह से करना है हमें, हम देखेंगे अभी।